दिल्ली एनसीआर के ऑटो और कैब के अंदर अब महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड की सुविधा उपलब्ध रहेगी। गुरुग्राम और दिल्ली एनसीआर की महिलाओं को सम्मान देने के लिए एक एनजीओ द्वारा आज एक बेहतरीन कदम उठाया गया है। दिखाएंगे आपको आगे क्या है पूरी खबर। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से एक आह्वान किया कि देश में सभी महिलाओं का सम्मान किया जाना चाहिए और सभी मर्दों को ऐसी भाषा का उपयोग करना चाहिए जिससे कि महिला का सम्मान हो। गुरुग्राम की एक एनजीओ ने आज ऐसा ही एक ऐतिहासिक कदम उठाया है, जिसके तहत गुरुग्राम और दिल्ली एनसीआर के बीच चलने वाले ऑटो और टैक्सी कैब में सैनिटरी पैड की सुविधा उपलब्ध कराई गई। दरअसल री अर्थ लाइफ एनजीओ द्वारा यह कदम उठाया गया है, जिन्होंने आज गुरुग्राम के ऑटो चालक संघ को सैनिटरी पैड उपलब्ध कराए और एक मुहिम की शुरुआत की, जिसके तहत अब गुरुग्राम के सभी ऑटो के अंदर दो दो सैनिटरी पैड उपलब्ध रहा करेंगे। जब कोई महिला इन ऑटो में या टैक्सी में सफर किया करेंगी और इमरजेंसी के दौरान उन्हें अगर सैनिटरी पैड की सुविधा चाहिए तो वो सैनिटरी पैड उन ऑटो चालकों से ले सकती है। दरअसल हमारे देश में महिलाओं को होने वाले पीरियड्स और सैनिटरी पैड को लेकर जब बात होती है तो उसको लेकर लोग हिचकिचाते हैं। अक्सर देखा जाता है कि महिलाएं जब मेडिकल स्टोर पर सैनिटरी पैड लेने जाती हैं तो वो भी मेडिकल स्टोर संचालक से सैनिटरी पैड मांगने में हिचकिचाती है। दरअसल इसी शर्म को खत्म करने के लिए री अर्थ लाइफ फाउंडेशन ने यह कदम उठाया है और उनका कहना है कि पीरियड्स एक नेचुरल प्रोसेस है, इसके बिना संसार नहीं चल सकता है, इसीलिए इस शर्म को हटाना होगा। इसीलिए इस मुहिम को भी नाम दिया गया है पैड दिखाओ शर्म हटाओ। हमारी संवाददाता आशी राजपूत ने आज हुडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन पर जाकर जहां इन ऑटोज में ये सैनिटरी पैड की सुविधा उपलब्ध कराई गई वहां से एक रिपोर्ट तैयार की है, वो आपको दिखाते हैं। हमारे समाज में काफी ऐसी संस्थाएं जो लोगों को जागरूक करने का अभियान चला रही है। ऐसी एक संस्था का नाम है री अर्थ लाइफ। ये एक ऐसी संस्था है जो लोगों को समय समय पर जागरूक करने का काम करती है और इन्होंने आज एक बहुत ही अच्छी मुहिम चलाई है जो पूरे दिल्ली एनसीआर में लागू किए जा रहे हैं। जितने भी ऑटो हैं या कैब हैं, अगर आप उससे कहीं पर भी सफर कर रहे हैं और आपको इमरजेंसी हो गई, यानी कि महिलाओं को अगर मंथली प्रॉब्लम हो गई तो उससे घबराने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसके लिए आपको पैड खरीदने के लिए किसी मेडिकल स्टोर पर नहीं जाना पड़ेगा। अब आपको ऑटो या फिर कैब के अंदर ये आसानी से फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। उसी को लेकर हमारे साथ कुछ लोग हैं जो इस संस्था से जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे कि आखिर जो इनकी संस्था है वो कैसे काम करेगी। सर, सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। सिद्धार्थ। सर बताइए, आपकी संस्था की आज जो मुहिम चला रही है इसके बारे में कुछ बताइए। ये हमारी री अर्थ लाइफ एक फाउंडेशन है जिसको हम बहुत जल्दी रजिस्टर कराने जा रहे हैं। तो ये संस्था महिला को कॉन्फिडेंस दिलाना है सोसाइटी में और मर्दों को महिलाओं का सम्मान बढ़ाने के लिए ये हमने मुहिम चालू करी है। और हमने एक ऐसी सोसाइटी की प्रॉब्लम पकड़ी है जो बहुत सालों से चल रही है लेकिन आज तक उस पर ग्राउंड पे काम नहीं हो रहा। हमने उसकी मूवी भी देखी, हमने सरकार के इनिशिएटिव भी देखे, लेकिन आज की डेट में 25-30% महिलाएँ इस चीज़ का फ़ायदा लाभ उठा पाती हैं जो मैं सैनिटरी पैड के नाम पे हम जानते हैं। तो हम चाहते हैं कि इसकी एक अवेयरनेस फैले, महिला को एक कॉन्फिडेंस आए। आज केमिस्ट शॉप पे जाके महिला उसको बंद पैकेट में नहीं ले, खुले में केमिस्ट वाला भी दे और उस महिला उसको खुले में अपने घर लेके जाए। और अगर महिला खुद सक्षम नहीं है जाने के लिए या बाहर नहीं निकल सकती है तो मैं चाहूँगा उसके हस्बैंड भाई बाप जाके उनको ये मुहैया कराएं। और हमने इसी लाइन पर कैब और ऑटो के लिए एक मुहिम शुरू करी है जहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट इन केस ऑफ इमरजेंसी, अगर किसी को महामारी की इमरजेंसी होती है ऑटो में बैठे हुए या कैब में बैठे हुए, एक स्टिकर लगा रहेगा ऑटो में, जो ये हमारा ये स्टिकर है जो ये बताएगा कि इस कैब में फ्री ऑफ कॉस्ट इमरजेंसी के लिए पैड अवेलेबल हैं। महिला ऑटो चालक से मांग सकती है और अपना इमरजेंसी में काम इससे चला सकती है। और इससे सिर्फ ना कि उनकी इमरजेंसी सॉल्व होएगी, एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होएगा कि एक कैब ड्राइवर भी इस मुहिम के साथ जुड़ा हुआ है और वो हमारे कॉन्फिडेंस के लिए सोसाइटी में काम कर रहा है। सर बताइए कि जैसे ये जो आज मुहिम चल रही है ये और कितनी जगह पर आज चल रही है? ये मैडम मुहिम हमने पिछले दो साल से, लगभग एक साल से लॉकडाउन के बाद में हमने ये मुहिम चालू करी थी। तो उस टाइम पे हमने सैनिटरी पैड गांव-गांव में जहां लोग इस चीज़ों को कम समझते हैं उस जगह जाकर के हमने जागरूकता एक अभियान चलाया था, जिसके तहत महिलाओं को बताया गया कि ये सब चीज़ें जो है शर्माने की चीज़ नहीं है, ये एक आम महिलाओं की समस्या है। और इसे देखते हुए ना 80% महिलाएं इस बारे में बिल्कुल शर्माती हैं, तो इसके लिए एक जागरूकता अभियान चलाया, उसको लेके आज हमने पहली बार ये हुड्डा मेट्रो स्टेशन है इस पे जितने भी ऑटो चालक हैं इनके सहयोग से, भाई योगेश जी के सहयोग से हमने इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट सैनिटरी पैड रखे गए हैं हर ऑटो में और उसमें ये स्टिकर लगाया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि महिलाओं के लिए निःशुल्क पैड हमने रखे हुए हैं, इमरजेंसी के दौरान वो कभी भी यूज़ कर सकती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। सर अगर
वो पैड खत्म हो जाते हैं तो आपसे संपर्क कैसे करेंगे ऑटो ड्राइवर? हमारा मैडम ये बारकोड है सपोर्ट के लिए और कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर है, जो यूनियन के प्रधान है उनसे हमारी बात हो गई है। यूनियन के प्रधान की जिम्मेवारी रहेगी उनके ऑफिस में कार्यालय में ये सब चीज़ें हमें उपलब्ध करा के देंगे। जैसे भी किसी ऑटो चालक के पास ये सैनिटरी पैड खत्म हो जाता है वो संपर्क करेंगे इस योगेश भाई जी से। अगर योगेश भाई जी के पास अवेलेबल नहीं होंगे तो योगेश भाई जी हमें उनको बताने का पूरा काम करेंगे। ये भाई बड़े भाई हैं अपने ये संगठन जी। सर आप बताइए सर, इस संस्था से आप कब से जुड़े हैं? रीअर्थ फाउंडेशन से काफ़ी समय से हमारा संपर्क है और मैं रीअर्थ फाउंडेशन का धन्यवाद भी करता हूं जो इन्होंने हरियाणा ऑटो चालक संघ के साथ मिलकर, और क्योंकि ऑटो चालक जो है वो बिल्कुल आखिरी कड़ी पे खड़ा है और उसके साथ मिलकर बेटियों की इज्जत को बढ़ाने के लिए उनकी रक्षा के लिए ये जो कदम उठाए हैं, फ्री सैनिटरी पैड एमरजेंसी में अगर किसी महिला को बहन को बेटी को अगर जरूरत पड़ती है उसको ऑटो में अगर वो पैड अवेलेबल हो जाते हैं तो ये एक उसके लिए उसकी इज्जत की रक्षा के लिए एक बड़ा कदम होगा। और पिछले दिनों हमें देखने को मिलता है कई बार ऑटो में महिला सवारी बैठती है और उस समय महिला सवारी बैठने की वजह से कई बार उनको इमरजेंसी में सैनिटरी पैड की आवश्यकता पड़ती है, उस समय हमें उनके किसी न किसी मेडिकल स्टोर पर ले जाना पड़ता है। अगर इस तरह से हमारे खुद के ऑटो में इस तरह से पैड अवेलेबल होंगे तो उनकी कहीं ना कहीं हम मदद करेंगे और ये एक बहुत बड़ा काम धरातल पे बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए करने का काम रीअर्थ फाउंडेशन कर रही है, जिसका मैं हरियाणा ऑटो चालक संघ की ओर से धन्यवाद करता हूं। और मैं अपील करता हूं समस्त ऑटो चालकों से, कैब चालकों से, कोई भी ऐसा ऑटो गुरुग्राम का ना बचे जिसके अंदर ये किट ना हो, और अगर आपके पास ये किट खत्म हो जाती है तो इसको रिफिल करने के लिए आप यूनियन से संपर्क कर सकते हैं या रीअर्थ फाउंडेशन का नंबर भी आपको जारी किया गया हर स्टिकर के ऊपर, उस नंबर पे भी आप संपर्क कर सकते हैं। और साथियों ये एक मोमेंट है, जिस प्रकार सरकार नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैं कहूँगा बेटियों को आगे बढ़ाने का एक ये धरातल पर काम करने जा रही है रीअर्थ फाउंडेशन और हरियाणा ऑटो चालक संघ। हमारे साथ मैम भी हम उनसे भी बात करेंगे कि आखिर जो ये संस्था है इससे लोगों को तो जागरूक करना ही, बाकी जो महिलाएं होती वो भी इस बात को कहने में शर्म महसूस करती है। मैडम आप बताइए सबसे पहले आपका नाम क्या है? केशिका। मैम आप महिलाओं को क्या जागरूक करने के लिए क्या ऐसी बात बोलना चाहेंगी कि उनके अंदर से जो शर्म है वो खत्म हो जाए और वो खुलकर बात कर सके? अच्छा जी, सही है, जो पैड है एक टैबू है और सबको भी शर्म आती है कि पैड देना है, हम कभी भी ब्लैक पॉलीथिन में पैड देने जाते हैं तो केमिस्ट को बोलते हैं हमें ब्लैक पॉलीथिन में दे, बट ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये तो हर महिला के साथ हर महीने होते हैं और सारे मेंस को पता है, वो मैरिड है घर में जिनके भी औरतें हैं सबको पता है कि ये हर महीने होता है, ये कोई ऐसा टैबू नहीं है, इसको हम ख़त्म करना चाहते हैं, इससे ये मुहिम ख़त्म करी है। और ऑटो वालों को हम अगले महीने से फ्री में उनकी फैमिली के लिए पैड प्रोवाइड करवाएंगे रीअर्थ फाउंडेशन के थ्रू, तो उनके लिए भी एक अच्छा वो रहेगा। जैसे कि आपके इस स्टिकर पर भी लगा है कि पैड दिखाओ शर्म भगाओ, तो ये नारा आपने इसीलिए लगाया कि ताकि लोगों के अंदर जागरूकता है तो वो अच्छी तरह से फैल जाए? हाँ, यही टैबू हटाने के लिए ही हमने ये हमारा एक पंचलाइन है वो हमने लगाई है कि पैड दिखाओ शर्म हटाओ, ताकि कोई भी शर्म ना करे और जब भी उनको ज़रूरत हो तो वो पैड क्या बोलते हैं उसको बेझिझक होके मांगे। थैंक यू। जैसे कि हमने संस्था के लोगों से बात की तो उनका कहना है कि इसमें कोई शर्म की बात नहीं, क्योंकि मंथली प्रॉब्लम हर किसी के साथ होती है, जितनी भी लेडीज होती है सबको इस दौर से गुजरना ही पड़ता है। और इन्होंने एक बहुत अच्छी बात ये भी लिखी है कि पैर दिखाओ शर्म भगाओ, इससे ये बात होगी कि अगर आपके साथ कभी भी ऐसी कोई इमरजेंसी घटना हो जाती है और आपको पैड की जरूरत पड़ती है तो आप किसी भी कैब या ऑटो ड्राइवर से मांग सकते हैं। मेरे सहयोगी मोनू के साथ मैं आशी राजपूत, गुरुग्राम न्यूज। सैनिटरी पैड को लेकर हमारे देश में समय समय पर इस तरह की मुहिम चलाई जाती रही है, बॉलीवुड में भी इस तरह की कई फिल्में बन चुकी है कि सैनिटरी पैड को लेकर समाज में जागरूकता फैलाई जाए और महिलाओं को सम्मान दिया जाए। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा, साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।